हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी मैथ्स के बुक का जो हमारा मिड पॉइंट थ्योरम दिया गया है, आज हम इस टॉपिक को मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से या वैसे भी आगे आने वाली क्लासेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कैसे होता है, इसका प्रूफ कैसे होता है, ये क्या कहता है मिड पॉइंट थ्योरम, हर एक पॉइंट बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखेंगे कि मिड पॉइंट थ्योरम आखिर है क्या। मैं प्रूफ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आखिर है क्या, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि नाम से ही है मिड पॉइंट, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, कोई भी हमारा एक ट्रायंगल होता है जिसमें जिसके मिड पॉइंट्स को, दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में जब हम मिलाते हैं, यहाँ देखिए जैसे ए बी और ए सी हमारे क्या हैं, दो लाइंस, दो साइड्स हैं एक ट्रायंगल ए बी सी के, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि P हमारा AB का मिड पॉइंट है और Q हमारा AC का मिड पॉइंट है। तो इन दोनों मिड पॉइंट्स को जब हम आपस में मिलाएंगे एक लाइन सेगमेंट से, तो ये जो हमारा PQ है, PQ हमारा क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, थर्ड साइड के। थर्ड साइड यहाँ कौन सी है, ये बी सी, ये इस साइड के पैरेलल होगा हमेशा, मतलब कि ये हमारा बी सी के पी क्यू पैरेलल बी सी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हुआ है, क्या है वो, कि हमारा पी क्यू जो है ना, पी क्यू ये क्या होगा, ये लेंथ की बात, लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ में पी क्यू BC के इक्वल तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमको ये दिख भी वैसे भी दिख रहा है छोटा है, और आगे ये इस तरीके से जाने के बाद कॉनिकल शेप बन रहा है ट्रायंगल में, क्योंकि ऊपर के साइड अगर हम देखें तो कौन ये है, ये देखिए कौन बन रहा है कि नहीं, हाँ। तो यहाँ तो लेंथ इसकी कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये हमारा PQ हमेशा हाफ ऑफ BC रहेगा, ठीक है ये, और इसमें ये एंगल इस एंगल के भी इक्वल होगा, ठीक है। पर हमको इस चैप्टर में, इस क्लास में, इस ईयर हमें बस इन्हीं दो चीज़ों को पढ़ना है, है तो ये भी बस आपको दे दिया गया है कि यहाँ जानकारी के लिए कि ये दोनों इक्वल होते हैं, पर हम इसका कहीं यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है, इसका कहीं यूज़ नहीं हुआ है, हाँ। और ये भी बता दूँ कि ये इक्वल क्यों होंगे, इक्वल क्यों होंगे, इसको ये मान लीजिए इस तरीके से, दो पैरेलल साइड्स हैं, ये ट्रांसवर्सल, तो क्या बन रहा है, ये एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, हमको पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, तो इसीलिए हमारा इक्वल हो जाएगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ इन्हीं दो साइड्स को, तो नहीं, यहाँ पर आप किसी भी, एक बार फिर से बता रहा हूँ, किसी भी, चाहे आप इसको इसको लें, इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को मिला दें इस तरीके से, या फिर इन दोनों के साइड मिड पॉइंट को मिला दें, इन दोनों के मिड पॉइंट को मिला दें, या फिर इन दोनों के मिड पॉइंट को मिलाएं। अगर देखिए, अगर आप ए सी और बी सी के मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये हमारा जो बनेगा, ये हमारा हमेशा ए बी के पैरेलल होगा और ए बी का हाफ होगा। इसी तरीके से यहाँ इसको भी जब मिलाएंगे तो ये ए सी का पैरेलल और ए सी का हाफ होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ आया होगा ये, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मिड पॉइंट थ्योरम आखिर है क्या, तब तक आप इसके प्रूफ नहीं कर पाएंगे। इसमें दो थ्योरम्स हैं, दोनों करेंगे हम, ठीक है। तो अब पहला थ्योरम
देखते हैं कि पहला थ्योरम है क्या। अब देखिए, वहाँ पर हमने प्रूफ कुछ नहीं किया था, यहाँ पर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है ये देखते हैं। द लाइन सिगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। वही चीज़ है कि दो साइड्स के किसी भी एक ट्रायंगल के किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो वो तीसरी साइड का के पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। दोनों चीज़ हमको प्रूव करनी है, जो हमने पहले देखा वही यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा था, ये देखा था। ठीक है, इसको दिमाग में फीड कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अब देखिए, यही वही जो हमने पीछे देखा उसी को हमें यहाँ प्रूव करना है। ठीक, इतना समझ में आया, क्या करना है, PQ को BC का हाफ और BC के पैरेलल प्रूव करना है। कैसे करेंगे, गिवन क्या है, सब कुछ इसी में आपको दिया है। मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, दोनों साइड का मिड पॉइंट दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर हमारा P और Q हमने मान लिया कि मिड पॉइंट है AB और AC का। ठीक है, इतना मान लिए, प्रूफ क्या करना है मैंने आपको बता दिया। अब करेंगे कैसे, तो अगर हमको क्या करना है, इसका इन दोनों को पैरेलल अगर दिखा दें तो इसका हाफ भी इसके पैरेलल होगा, होगा कि नहीं होगा। और अगर इन दोनों को इक्वल दिखा दें तो इसका हाफ ये है कि नहीं है, तो इसके इक्वल होगा। ये पूरा इसके इक्वल है, हो जा अगर प्रूव कर दें तो इसका हाफ मतलब ये इसके हाफ के इक्वल हो जाएगा ना, इस तरीके से समझिए। तो यही प्रूव करना है। कैसे करेंगे, तो सिंपली हमको यहाँ पर क्या करना है, सारा फोकस हमारा किस पे रहेगा, BCDP को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। कैसे करेंगे ये देखते हैं, प्रूफ देखिए। यहाँ पर सबसे पहले ये जान लीजिए, वो जो फिगर बना है ये इतना कंस्ट्रक्शन से आया है, वैसे ही नहीं आया, ये कंस्ट्रक्शन से आया है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करना पड़ेगा, मैं भूल गया था आपको बताएं। ये देखिए, अब कंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोड्यूस PQ एट अ पॉइंट D एंड प्रोड्यूस C इंटरसेक्ट्स एट D ऑन PD एट अ पॉइंट D सच दैट CD पैरेलल AB रिस्पेक्टिवली। अब आप सोच रहे होंगे, सर इतनी लंबी चौड़ी इंग्लिश क्या लिख रखी है, बता दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या किया गया है, इसको देखिए, यहाँ पर PQ को हमने बढ़ाया आगे, प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ाया PQ को, और C को इस तरीके से आगे प्रोड्यूस किया है कि हमारा ये CD ये CD पर आके इंटरसेक्ट हो रहा है, जहाँ पर मतलब ये CD AB के पैरेलल इस तरीके से हमने प्रोड्यूस किया है कि CD पैरेलल AB है और ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, D पे। ठीक है, तो वही लिखा है, आप इस तरीके समझिए। अब प्रूफ की बात करते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे इसको, प्रूफ देखिए फटाफट से करेंगे, बहुत ही तेज़ी के साथ करेंगे, एकदम कंसंट्रेट होके देखिएगा। इन ट्रायंगल, यहाँ पर भी आपका कॉन्ग्रेंसी रूल ही लगेगा, ये जान लीजिए, कॉन्ग्रेंसी रूल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, PQA एंड CQD एंड ट्रायंगल CQD कॉन्ग्रेंट करते हैं, तुरंत प्रूव होगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करते हैं, ये एंगल
इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन से ये पैरेलल लिया है और ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये इसके इक्वल है कि नहीं है, है, तो बस लगा दो कॉन्ग्रेंसी रूल। देखो एंगल पी इक्वल्स टू एंगल डी, रीज़न अभी एक साथ लिख देता हूँ, एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल, यहाँ पर एंगल क्यू ना लिख करके यहाँ पर नेमिंग कर देता हूँ, 1 2, ये थोड़ा ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है, और इसको 3 कर देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ, 3 4 1 2, ठीक है, यहाँ पर मैं वही लिख देता हूँ, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, देन ए क्या है, ए क्यू इक्वल्स टू सी क्यू, ए क्यू इक्वल्स टू सी क्यू, यहाँ पर ये क्यों है, बिकॉज सी डी पैरेलल टू ए बी, ये वर्टिकली अपोजिट है, अपोजिट पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ओपी लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा, ओपी ओवर पावर्ड मत समझने लगिएगा। यहाँ पर क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए पी, अच्छा नहीं पी क्यू ए है, पी क्यू ए कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी, सी क्यू डी किस रूल से हुआ है, बाय एंगल एंगल साइड रूल, देयरफॉर अब करेंगे क्या, ये देखिए करेंगे क्या, सी पी सी टी, सब काम अब यहीं सी पी सी टी से होने वाला है, इसको पी क्यू को क्यू डी के इक्वल प्रूफ करते हैं पहले सी पी सी टी से, पी क्यू क्यू डी, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू डी, क्यों क्यों होगा, क्योंकि सी पी सी टी से होगा, सी पी सी टी कहाँ है, सी पी सी टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये इसके इक्वल प्रूव हो गया, हाँ इसको इसके इक्वल प्रूव करेंगे, सी डी इक्वल्स टू ए पी, सी डी इक्वल्स टू ए पी बाई सी पी सी टी, ये यहाँ ये हो गया। अब जब ये हमारा इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी ए पी इक्वल्स टू पी बी, ए पी इक्वल्स टू, ए पी इक्वल्स टू पी बी गिवन, देन पी बी इक्वल्स टू सी डी, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, फ्रॉम वन एंड टू पी बी इक्वल्स टू सी डी, इसको टू लिख देते हैं, इसको यहाँ वन लिख देते हैं, ठीक है, ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ये हमको इसके इक्वल मिल गया और ये हाफ़ है इस पूरे का, ये हाफ़ है, तो ये हाफ
भी इसके पैरेलल होगा तो पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। एक सेकंड, ए पी नहीं, ए बी है, ए बी पैरेलल सी डी फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ठीक है, देयर फोर पी बी पैरेलल सी डी, सो या फिर सिंस अ साइड अ पेयर ऑफ, या फिर इस तरीके, इसको इस तरीके से लिखते हैं, रुक जाइए एक सेकेंड, सेम पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, देयरफोर बी सी डी पी क्वाड्रेटरल बी सी डी पी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये पैरेललोग्राम हमारा प्रूव हो गया। अब जब ये हमारा पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो ये पूरा इसके पैरेलल हो गया, तो इसका हाफ भी इसके पैरेलल होगा। तो अब सिंपली लिखना है क्या, पी डी पैरेलल बी सी, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, पी डी पैरेलल बी सी बिकॉज बी सी डी पी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, बी सी डी पी, ये तो है बी सी डी पी, हाँ, देयरफोर हाफ ऑफ पी डी पैरेलल टू बी सी, सो पी बी पी क्यू है, क्या है, पी क्यू पैरेलल बी सी, क्यों, बिकॉज पी डी पैरेलल बी सी, इतना लिख देंगे आपका हो जाएगा काम। देन पी डी इक्वल्स टू बी सी, तो अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, और यही हमको प्रूव भी करना था, हेंस प्रूव्ड, यही हमको प्रूव भी करना था, एक ये प्रूव करना था और हमको एक क्या प्रूव करना था, कि हमारा पैरेलल है पी क्यू पैरेलल बी सी, ये तो प्रूव करना था, दोनों हमारे दोनों पॉइंट्स प्रूव हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको, ये थ्योरम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ ये थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको इसलिए इसको अच्छे समझिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ।